नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, कौन से लेवल जो है इम्पोर्टेंट थे, जो मैंने आपको बताए थे कि यहां पर सपोर्ट ले सकता है या रेजिस्टेंस ले सकता है, और बैंक निफ्टी में किस तरह से मूव हुई, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उन सब स्टॉक्स ने किस तरह से मूव किया, हमारे जो लेवल थे वो अचीव हुए नहीं हुए, जो टारगेट थे वो हमारे लगे कि नहीं लगे, उन सारी बातों की चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने कल आपको एक हिंट मैंने आपको दे दिया था कि कल एक बैंक निफ्टी में एक छोटी सी गिरावट हुई थी, एक बहुत माइनर सी जिसको हम कह सकते हैं, बहुत छोटी सी गिरावट हुई थी। तो मैंने आपको बताया था, देखिए ये जो है बैंक निफ्टी ने जो है एक हिंट दिया हुआ है, बिकॉज देखिए जो कल की आप कैंडल देख सकते हैं, ये जो कैंडल है एक ये डोजी टाइप की कैंडल जिसको हम कह सकते हैं। तो देखिए यहां पर कंटिन्यू एक अप ट्रेंड के बाद, मैंने कल आपको बताया था कि कभी भी कंटिन्यू अप ट्रेंड के बाद एक डोजी कैंडल बने या कभी भी एक डाउन ट्रेंड के बाद एक डोजी कैंडल बने तो वो जो है एक ट्रेंड रिवर्सल का एक जो है साइन होता है। ये प्रॉपर डोजी तो हम इसको नहीं कहेंगे, बट ये डोजी की जो है कैटेगरी में ही आता है। तो चलिए इसको मैं हम जो है 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक हम जो है यहां पर बुलिश हैं, और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी हम जो है बायर सेलर बन जाएंगे। तो यहां पर देखिए, ये जो आज 15 मिनट की पहली कैंडल ने ही यहां पर जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रेंड लाइन को यहां पर ब्रेक होता है तो पहला टारगेट देखिए मैंने आपको यहां बताया था 23,240 का और सॉरी 28,240 का, और दूसरा टारगेट मैंने बताया था 28,080 का। तो यहां पर पहला टारगेट भी हमारा अचीव हुआ 28,240 का, और दूसरा टारगेट जो इसने लो लगाया बैंक निफ्टी ने आज, वो लो लगाया 28,000 नियर अबाउट 70 का। तो हमारा 28,080 का देखिए ये दोनों टारगेट हमारे यहां पर अचीव हो गए। तो फाइनली यहां पर देखिए हुआ क्या आज, सबसे पहले अब मैं यहां पर आपको 5 मिनट के चार्ट में लेकर चलूंगा और 5 मिनट के चार्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर देखिए मैं इसको जो है ट्रेंड लाइन को आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर क्या हुआ, फाइनली जो है आज ट्रेंड लाइन को ब्रेक होते ही यहां पर मैंने जो है पुट की एक कॉल पुट का एक हमने मतलब ऑर्डर लगाया था, और ये शायद मैंने आपको ही बताया था, टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको पोस्ट करके बताया था। तो देखिए पहला टारगेट जो हमारा ये था, मैं आपको ये लेवल ड्रॉ करके दिखा देता हूं तो आपको जो है चीजें अच्छे से पता लगेंगी। ये जो देखिए जो कल का लो लगा हुआ था ये हमारा पहला टारगेट था। तो देखिए फाइनली यहां पर ये जो टाइम आप देख सकते हैं, टाइम 12:20 पर ये टारगेट हमारा पहला टारगेट यहां पर अचीव हुआ था, और उसका दूसरा टारगेट भी नियर अबाउट 2 बजे से पहले पहले यहां पर अचीव हो गया था। तो यहां पर देखिए कितना अच्छा, मतलब अब देखिए यहां पर जो है एक हम कह सकते हैं कि अभी एक डाउन सिनेरियो मतलब चालू हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग जो है यहां पर आ रही है। अब यहां पर देखिए कल क्या हुआ था, कल के बारे में भी मैं आपको बताया था, अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी, मैंने देखिए यहां पर आपको बताया था कि यहां ये देखिए यहां पर एक ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हुई थी, उसके बाद यहां पर जो है एक शार्प फॉलिंग देखने के लिए कल हमको मिली थी। ये देखिए ये जो आप फॉल देख रहे हैं, ये फॉल जो है कल का फॉल है, ठीक है। तो यहां पर जो मार्केट ने देखिए, एक कभी भी मार्केट को अगर गिरना होता है या उठना होता है तो वो एक इंडिकेशन जरूर दे देता है। तो ये कल फाइनली हमको एक इंडिकेशन मिल गया था कि मार्केट देखिए अभी जो है अब ऊपर जाने के मूड में नहीं है, अभी जो है सेलर यहां पर जो है एक्टिव होने वाले हैं। तो कल ये मूव को देखते हुए मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो है एक मंदी आ सकती है और जो है यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और सेम देखिए वही हुआ। यहां पर देखिए जो है ऐसा नहीं हुआ कि देखिए स्टार्टिंग का 5 मिनट का कैंडल जो यहां पर बना था, इवन इसका हाई तक ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है ना, इसके ऊपर भी कोई कैंडल क्लोज नहीं हो पाई। उसके बाद कंटिन्यू यहां पर देखिए बाइंग यहां पर चलती रही। तो फाइनली ये देखिए ये जो लो है, कल का जो लो लगा था ये एक सपोर्ट था, तो इस सपोर्ट पर आने के बाद एक बाउंस बैक यहां पर हो सकता था, क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डबल टॉप पैटर्न यहां पर आपको जो है बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये डबल टॉप पैटर्न के करके यहां पर जो है एक बाउंस बैक हुआ, और यहां पर देखिए आप कैंडल देखेंगे तो हैमर कैंडल, तो यहां पर भी जो है हमने एक छोटी सी बाइंग बनाई थी। देखिए आज जो हमने मार्केट में जो हमने प्रॉफिट बुक किया वो छोटे छोटे हमने प्रॉफिट बुक किया, आज हमने कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक नहीं किया। हाँ, एक हमने 7वां ट्रेड लिया था, वो हमने लिया था 28,300 की कॉल शायद ली थी, वो 53 रुपीज मिली थी, और उसने जो है 5 मिनट के अंदर 125 का जो है हाई लगा दिया, मतलब हमारा वहां पर ऑप्शन डबल हो गया था। तो मतलब फाइनली आज हमने 8 ट्रेड लिए थे, 8 ट्रेड में से जो है 6 ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल थे, 1 ट्रेड हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट था, और 1 ट्रेड में हमारा 10 पॉइंट्स का जो है स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो हिट हुआ था, ठीक है। तो फाइनली आज हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है,
ये जो है हमारा 10वां दिन है, कंटिन्यू जो है कंटिन्यू हम अच्छा प्रॉफिट ही बना रहे हैं। तो अब देखिए आपको कल क्या करना है, कल की डेट में क्या हो सकता है, तो अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहां पर जैसा कि आप देखेंगे, तो पहले मैं ये मैं जो है डिलीट कर दूं। डिलीट करने के बाद अब मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप यहां से ऊपर से देखेंगे तो ये एक नीचे की तरफ का जो है चैनल बन रहा है, ठीक है। मैं ये ट्रेंड लाइन में डिलीट कर देता हूं। और उसके बाद देखिए अगर आप ऊपर ध्यान से देखें तो ये एक, देखिए अगर आप तो ध्यान से यहां पर देखने की कोशिश करेंगे, मैं जो है थोड़ा इसको डार्क कर देता हूं तो डार्क जो है आपको थोड़ा अच्छे से पता लगेगा। तो यहां पर देखिए अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको जो है एक नीचे की तरफ का चैनल यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस चैनल में जो है अब बैंक निफ्टी काम कर रहा है। अब फाइनली यहां पर देखिए क्या हो सकता है, अगर यहां पर हम एक लेवल इस तरह से ड्रॉ करें जहां पर आज मार्केट कंटिन्यू जाकर जो है बार बार वापस हो रहा था नीचे के लिए, ये लेवल जो है, अब ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा 28,500 का लेवल। तो ये देखिए आज आपने देखा इंट्रा डे की ट्रेडिंग में कि 28,500 का लेवल जो है बार बार टेस्ट हो रहा था और फाइनली जो है 28,500 के लेवल से ही जो है बहुत एक फास्ट जो है डाउनफॉल यहां पर आया था। अब 28,500 का लेवल हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में यहां पर अगर ये ट्रेंड लाइन, ये जो चैनल है, ये चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमारा पहला टारगेट यहां पर जो होगा वो टारगेट होगा 27,920 का और दूसरा टारगेट क्लियर कट वो जो होगा 27,600 का। पहला टारगेट के बाद हमको ये जो दूसरा 300 पॉइंट है ये बहुत फास्ट मिलने वाला है, बिकॉज ये एक गैप है, ये 300 पॉइंट का गैप है। तो ये 300 पॉइंट का गैप आपको बहुत इजीली मिलने वाला है। पहला टारगेट अचीव होने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलती है तो आपके दूसरा ट्रेड जरूर करना चाहिए, इसमें आप जो है एक बहुत अच्छा टारगेट ले सकते हैं। दूसरा देखिए क्या हो सकता है, यहां पर अभी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 28,285 के लेवल पर। अगर यहां पर मार्केट कल को बैंक निफ्टी यहां पर एक और मैं लेवल यहां पर ड्रॉ करूंगा, यहां पर देखिए 28,380 का लेवल क्रॉस करती है, यहां पर 28,380 का लेवल क्रॉस करने के बाद हमारा टारगेट यहां पर होना चाहिए 28,500 और जो है नेक्स्ट टारगेट ये जो ऊपर का जो चैनल है अपर ट्रेंड लाइन का, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा टारगेट यहां पर होगा। अब हम बात करेंगे यहां पर कि फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और जो है गैप डाउन ओपनिंग की। अगर मान लीजिए यहां पर गैप, यहां पर फ्लैट एक ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट मान लीजिए नीचे की तरफ चलती है तो आप इस ट्रेंड लाइन पर जो है कंफर्मेशन के बाद बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप सुनिए, अब यहां पर अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग ओपनिंग होती है, मान लीजिए अभी यहां पर 28,300 का राउंड फिगर का लेवल है, 28,000 मैं राउंड फिगर में बता रहा हूं, 28,300 का लेवल है और यहां पर गैप अप 200 पॉइंट की ओपनिंग हो जाती है 28,500। तो यहां पर अगर आपको मतलब कोई बेरिश कैंडल मिले तो उसके बेस पे आप जो है मतलब कंफर्मेशन के बेस पे यहां पर आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर यही कहीं आपको इस अपर ट्रेंड लाइन के पास मिलती है तो ये सोने पर सुहागा होगा, तो यहां पर जो है क्लियर कट यहां पर सेल कर सकते हैं। देखिए कल की मार्केट में जो है आप ज्यादातर सेलिंग के लिए फोकस करिएगा जो है बाइंग, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग यहां पर चालू हो चुकी है। तो मे बी जैसे यहां पर हमने कंटिन्यू 8 दिन एक बाइंग देखी है तो कम से कम 3 से 4 दिन हमको यहां पर सेलिंग की मतलब बनता है, मतलब 3 दिन तो सेलिंग तो हमारा बनता है, ठीक है, अगर ये करेक्शन मोड में है तब भी, ठीक है। तो यहां पर देखिए गैप अप ओपनिंग में अगर आपको ट्रेंड लाइन के पास या 28,500 के पास मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग में आपको 28,380 का लेवल क्रॉस होने देना है, हमारा पहला टारगेट 28,500 होगा, दूसरा टारगेट हमारा जो है 28,620 का होगा। और मान लीजिए यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद आपको यहां पर कहीं लोअर चैनल के ट्रेंड लाइन के पास मिलता है तो यहां पर आप कंफर्मेशन के बाद एक छोटी सी जो है मतलब बाइंग, देखिए टारगेट छोटे छोटे रखिएगा, टारगेट अपर साइड में अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं बाइंग की साइड जा रहे हैं तो आपको टारगेट बहुत छोटे छोटे रखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा बड़े टारगेट जो है एक्सपेक्ट नहीं करना है आपको। और अगर आप सेलिंग की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर आप जो है बड़े टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए बिकॉज क्योंकि अगर हम ट्रेंड की साइड पे चलते हैं तो वहां पर हमको बड़ी बड़ी कैंडलें देखने को मिलती है और अगर हम ट्रेंड के ऑपोजिट चलते हैं तो वहां पर हमको कैंडलें बहुत छोटी छोटी देखने को मिलती है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। सेकंड देखिए अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए टेलीग्राम चैनल में मैं जो है घंटे घंटे पर आधे आधे घंटे पर आप लोगों को कंटिन्यू वहां पर चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, आपको वहां पर लाइव मार्केट में बताते रहता हूं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अभी बैंक निफ्टी सपोर्ट पर है कि रेजिस्टेंस पर है, यहां पर अभी कोई ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ नहीं हो रही है या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाली है या कोई सपोर्ट ब्रेक होने वाला है या कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है, ये सारी चीजें मैं आपको अपडेट करते रहता हूं, कंटिन्यू चार्ट आपको वहां पर पोस्ट करते रहता हूं। इससे आपको जो है एक हिंट मिल जाता है कि मतलब एक सही ट्रेड पकड़ने का, ठीक है। सेकंड अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप जो है एंजल ब्रोकिंग में अलायंस ब्लू में अकाउंट ओपन करिए। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको मैं अपने स्पेशल ऑप्शन बैच के ग्रुप में एड करूंगा, वहां पर आपको जो है पर्सनल ट्रेड भी मिलेंगी, आपको वो ट्रेड मिलेंगी जो मतलब मैं कॉल खुद करता हूं, जो ट्रेड मैं खुद करता हूं वही पर्सनल ट्रेड में आपको उस
ग्रुप में देता हूं। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। तो मैंने यहां पर बताया था, देखिए एक्सिस बैंक जो है कल का हाई लगा था, ये हाई लगा था 611 रुपए का। तो 611 का हाई क्रॉस करेगा तो हम यहां पर बाइंग साइड में जाने वाले थे, तो ना यहां पर 611 का हाई क्रॉस हुआ, ना यहां पर जो है कल का लो यहां पर जो है क्रॉस हुआ। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक मैंने आपको बताया है बाइंग करने के लिए 352 के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए मैंने आपको यहां पर बताया था कि लो ब्रेक होने के बाद, 46 का लेवल ब्रेक होने के बाद आप यहां पर सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक देखिए यहां पर मैंने को एक क्लियर कट कल मैंने आपको बताया था कि यहां पर देखिए सारे जो है मतलब मींस 75% जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हैं लगभग सारे ही। तो यहां पर जो है मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो फाइनली वही हुआ, देखिए सारे जो है स्टॉक्स जो है रेजिस्टेंस फेस करके आज जो है नीचे की तरफ आए हैं। नेक्स्ट है हमारा HDFC बैंक। यहां भी देखिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर भी देखिए 7-8 दिन की एक तेजी के बाद यहां पर एक जो है डोजी टैग की कैंडल मिली है, तो यहां से ट्रेंड जो है रिवर्स हो सकता है। तो फाइनली देखिए यहां से जो है अब मैंने आपको बताया था 1380 के नीचे सेल करने का, तो फाइनली यहां पर देखिए 1360 का टारगेट अचीव हो गया है। नेक्स्ट हमारा ICICI बैंक। अब मैंने देखिए आपको यहां पर बताया था सेलिंग के लिए 470 के लिए नीचे जो है हम सेलिंग के लिए जाएंगे और जो है 490 के ऊपर जो है हम बाइंग के लिए जाएंगे। तो ना आज यहां बाइंग एक्टिव हुआ और ना यहां पर सेलिंग एक्टिव हुआ। नेक्स्ट है IDFC बैंक। तो IDFC बैंक भी देखिए यहां पर अभी बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पर है अपने, ठीक है, तो अभी इसको यहां पर कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक भी देखिए ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल पर है। अगर देखिए मैंने आपको यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल पर ड्रॉ करके दिखाया था, तो ये लेवल अभी देखिए यहां पर अभी लगा हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक यहां पर ग्रीन कैंडल, फाइनली ग्रीन कैंडल के बाद जो है कल एक रेड कैंडल यहां पर बन गया था। तो रेजिस्टेंस के पास कोई रेड कैंडल बनना मतलब बायर्स को अलर्ट करता है कि अगर आपके पास पोजीशन है तो आप वहां पर जो है पोजीशन अपनी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक को अभी हमको देखिए जो सेल करना है, सेलिंग हमारी जो है एक्टिव होगी वो 1700 के नीचे, 1700 के पहले कोई सेलिंग नहीं करनी। हाँ अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आज के लो के पीछे, जो आज का लो लगा है 1748 का, तो आप 1745 के नीचे जो है यहां पर सेल कर सकते हैं। आपका टारगेट होगा यहां पर देखिए 1730 का टारगेट यहां पर आपका होगा। नेक्स्ट हमारा पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक भी देखिए रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही है, तो अब जो है इसको 30 का लेवल क्रॉस होने के आज ऊपर एक हमको कैंडल क्लोजिंग चाहिए, उस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर जो है बाइंग एक्टिव होगी। नेक्स्ट है RBL बैंक। तो RBL बैंक भी देखिए यहां पर रेजिस्टेंस लेवल पर ही है। तो कल भी आपको यहां पर मैंने बताया था कि देखिए रेजिस्टेंस लेवल पर है, यहां पर एक जो है नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो फाइनली आज जो है इसने नीचे की तरफ का ही रुख रखा। नेक्स्ट यहां पर है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको यहां पर बताया था कि 240 के ऊपर जो है हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। ये भी देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल्स के आर पार। देखिए मैंने मतलब देखिए एक आपको जो है ना स्टॉक्स और इंडेक्स और मार्केट आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सा आपको एक हिंट दे देती है कि मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है, वो कहीं ना कहीं आपको हिंट दे देती है, ठीक है ना। सो आपको हिंट पकड़ना आना चाहिए। अगर आप हिंट पकड़ने में एक्सपर्ट हो गए तो आप यहां पर जो है बहुत अच्छे खासे पैसे यहां पर बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। देखिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए जो है टेलीग्राम चैनल हमारा बहुत यूजफुल है, बिकॉज वहां पर कंटिन्यू यहां पर चार्ट पोस्ट होते रहते हैं। देखिए मैं अगर आपको चार्ट की बात करूं तो मैं यहां पर आपको चार्ट दिखाता हूं। ये देखिए आज जो तारीख है हमारी, आज ये देखिए मैं आज के चार्ट, सॉरी ये देखिए यहां पर मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूं आज जो हमने जो चार्ट यहां पर पोस्ट किए थे। तो यहां कंटिन्यू हमारे जो है ट्रेड भी कुछ बहुत अच्छे चले थे। तो यहां पर देखिए एक ट्रेड हमने जो है बाय किया था, 28,400 का पुट हमने बाय किया था, 160 पे बाय किया था। तो यहां पर भी देखिए बहुत अच्छी एक मूव हुई, देखिए कंटिन्यू 245 पर इसको हमने बुक किया। और यहां पर देखिए यहां पर मैंने दिखाया था आपको यहां पर जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी, तो हमारा पहला टारगेट जो है ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके बताया हुआ था। तो यहां पर जो है देखिए हमने पहला प्रॉफिट यहां पर बुक किया था। नेक्स्ट है हमारा देखिए उसका, फिर मैंने यहां पर चार्ट एक पोस्ट किया था। तो यहां पर देखिए एक असेंडिंग चैनल में यहां पर दिख रहा था। तो यहां पर आपको बताया था कि अगर ये ऊपर 28,520 का लेवल क्रॉस करता है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अदरवाइज नीचे की तरफ जाएंगे। तो आज देखिए 28,520 का लेवल ऊपर क्रॉस नहीं हुआ और फाइनली जो है हमारा जो है पुट जो है नीचे की तरफ का ट्रेड एक्टिव हुआ। देखिए मोस्टली जो है यहां पर एक्सपायरी डे वाले दिन जो है मैं मोस्टली जो है मैं ऑप्शन राइटिंग करता हूं, बट मतलब जहां पर मेरे को इंपल्स मूव दिखती है कि यहां पर इंपल्स मूव हो सकती है वहां पर मैं बाइंग प्रेफर करता हूं। देखिए क्योंकि बाइंग में आपके पास बहुत बड़ा स्कोप होता है और सेलिंग में आपके पास मान लीजिए 128 रुपए की पुट चल रही है, तो आपको जो है उसमें से मिनिमम आपको कितना खाने को मिल जाएगा, 60-70-80 रुपए मिल जाएगा। बट अगर हम वही पुट हम बाइंग की तरफ जाते हैं तो 128 का 1000 रुपए भी हो सकता है। सो अगर इंपल्स मूव आपको कहीं भी दिखता है ब्रेकआउट के पास, तो आप वहां बाइंग प्रेफर करिए रेदर देन
राइटिंग, ठीक है। तो मतलब मैं ऑप्शन एक्सपायरी वाले दिन मैं राइटिंग ज्यादा करता हूं, बट आज जो है कुछ हमने मतलब बाइंग के ट्रेड भी लिए थे। तो यहां देखिए फाइनली यहां पर एक ट्राइंगल चैनल यहां पर बन रहा था, ये जो चार्ट मैंने पोस्ट किया था आपको, तो यहां एक ट्राइंगल चैनल बन रहा था और यहां पर आपको क्लियर कट मैंने बताया था 28,520 के ऊपर बाइंग, और अगर ये ट्रेंड लाइन ये जो ब्रेक होती है नीचे की तरफ वाला ट्राइंगल का तो इसके नीचे सेलिंग। तो फाइनली यहां पर देखिए जो ब्रेकआउट हुआ था यहां पर, अब मैंने स्पेशल आपको यहां लिख के बताया था कि मैं बाय करूंगा 24,800 की पुट अगर ये सपोर्ट लेवल ये ब्रेक करेगा। ये जो नीचे हमने सपोर्ट लेवल ये ड्रॉ करके रखा हुआ है, अगर ये ब्रेक करेगा तो हम जो है 28,400 की पुट जो है हम बाय करेंगे। और फाइनली देखिए ये जो हमने ड्रॉ किया था, ये देखिए सपोर्ट ध्यान से देखिए, यही लेवल जो है ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद यहां से कम 300 पॉइंट्स नीचे की जो है मूव हमको देखने को मिली है। तो फाइनली मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप बायर हैं चाहे आप राइटर हैं, कुछ भी हैं, यहां पर आपको जो है चार्ट मिलेंगे, क्लियर कट चार्ट मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन से लेवल जो है सपोर्ट लेवल पे अभी मार्केट है या फिर रेजिस्टेंस पर है अभी किस तरह का, मतलब आपको एक छोटा सा हिंट मिल जाता है, ठीक है ना। सो इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद।